हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of June टू 25th of June। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइसिस के लिए, नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसिस, क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके 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 वाओ, पाइसिस अगेन, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस एज यूजुअल आपका सिग्निफिकेंट होता ही होता है हर रीडिंग में। अब देखिए यहाँ पर टैरो डेक से हमारे पास है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस काफ़ी सिग्निफिकेंट है, पेंटिकल्स पेंटिकल्स तो अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हो सकता है आपका मून साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, बट वो आप देखिएगा कैसे सिग्निफाई कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो आने वाला है। मैं चाहती थी कि ये थोड़ा सा करियर या प्रोफेशनल रिलेटेड रीडिंग हो, प्रोफेशन रिलेटेड रीडिंग हो, बट यहाँ पे प्रोफेशन रिलेटेड एज सच कुछ दिख नहीं रहा है। एरियस लियो सैजिटेरियस कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है या करने वाली है। फोर ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है, अच्छा कमिंग बैक टू किंग ऑफ वॉन्स, ये इंसान काफ़ी लंबा हो सकता है, दाढ़ी हो सकती है, स्पोर्ट्स में रुचि रख सकता है, ये इंसान इनकी बिल्ड काफ़ी अच्छी हो सकती है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ इनको पसंद है। अगर फीमेल हैं ये तो भी ये लंबी हो सकती हैं, इनके लंबे बाल हो सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में अगेन काफ़ी रुचि रख सकती हैं ये, अच्छी फिजिक है इनकी, अच्छी बॉडी है। अब देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, तो यहाँ पे कंट्रोल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी है आपकी लाइफ में आगे आने वाले 10 डेज में। देखिए रीडिंग में थोड़ा सा खो के मैं पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में कन्फ्यूज हो जाती हूँ, तो आप उस पर मत कॉन्सेंट्रेट करिएगा, होने वाला है, हो गया है, हो रहा है, आप बस मैसेजेस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये फ्यूचर की ही रीडिंग है। फोर ऑफ पेंटिकल्स कंट्रोल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। अब देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो थोड़ा कंट्रोल तो आएगा ही, हो सकता क्योंकि ये इंसान कंट्रोलिंग होगा, इनको कंट्रोल करना पसंद है इन अ गुड वे, ठीक है, और आप इनको कंट्रोल कर भी लेने देंगे, आप भी ओके होंगे, बट ये कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटमोसफेयर नहीं क्रिएट होगा, इससे बहुत ही अच्छा अच्छा टाइप रहेगा सब, ठीक है। इस इंसान की आपकी लाइफ में आने से थोड़ी स्टेबिलिटी भी आएगी, सिक्योरिटी भी आएगी, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। हो सकता है ये काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, हो सकता है ये आपको एक एक एश्योरेंस देते हैं ना किसी इंसान को कि मैं यहीं हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा रही या कहीं नहीं जा रहा, लाइक आई एम हियर टू स्टे, नाउ आई विल नॉट गो एनीवेयर, आई एम योर्स एंड यू आर माइन टाइप, वैसी वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। मैं ये चीज़ हैरान हूँ इस चीज़ को लेकर कि ईच एंड एवरी साइन जोडियक साइन इस बारी सबका करियर एंड फाइनेंशियल रीडिंग आई है जनरल रीडिंग में, पाइसिस को छोड़कर, पाइसिस की सिर्फ लव रीडिंग टाइप सॉर्ट ऑफ दिख रही है मुझे। इस इंसान के आने से मैंने आपको बताया काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं आपकी लाइफ में, पैसा, पर्सनैलिटी, रहन सहन, कम्फर्ट, स्टाइल, सुकून, दिमागी सुकून बहुत मिलेगा आपको इस इंसान के संग। दूसरी चीज़ टू ऑफ पेंटिकल्स जो थर्ड कार्ड है हमारा, अगेन बैलेंस की तरफ हमें बताता है, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको आगे आने वाले 10 डेज में, आपका ये इससे हट के नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, टाइम मैनेजमेंट करना है, बैलेंस करना है, आप या तो प्यार पे कॉन्सेंट्रेट करते हो या फिर प्रोफेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, या तो प्रोफेशन पे करते हो या फिर प्यार पे करते हो, आपका बहुत ही टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बुरा है पाइसिस, तो टाइम मैनेजमेंट पर अपने वर्क करिए, कुछ कुछ छोटा 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 सारी चीज़ें करिए, अपने ऊपर भी काम करिए, अपने बॉडी पे भी काम करिए, दिमाग पे भी करिए, सोल पे भी करिए, प्रोफेशन पे भी करिए, लव लाइफ पे भी करिए, थोड़ा 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 सब चीज़ें टच करिए, ऐसा हो कि दिन के एंड में आपको लगे मेरे पार्टनर से बात करना टिक, अच्छा आज जो एक्सरसाइज टिक, अच्छा सोना हाँ टिक, अच्छा गाने सुनना, अपना खुद रेजुविनेट करना, री एनर्जाइज करना अपने आप को टिक, काम टिक, तो थोड़ी 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 सारी चीज़ें कर ली। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होगा ना पाइसिस, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा और आप अपने काम में बिजी होगे,
तो आप इस इंसान को टाइम कैसे दोगे? आप जब अभी ही नहीं कर पा रहे हो तो आप इस इंसान को टाइम कैसे दोगे? या तो आप इस इंसान को टाइम दोगे, अपने काम को पीछे कर दोगे, तो क्या वो सही है? नहीं। तो थोड़ा सा आपने टाइम मैनेजमेंट सीखिए, ठीक है? थोड़ा सा अमल करना स्टार्ट करिए टाइम मैनेजमेंट को। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, एग, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आपके लिए हार्ड वर्क और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बिना प्लानिंग के, फ्यूचर प्लानिंग के, बिना हार्ड वर्क के आगे नहीं होगा। बट अगर आप हार्ड वर्क करोगे और अगर आप प्लान करोगे कि मुझे थर्सडे को क्या करना है, मुझे फ्राइडे को क्या करना है, मुझे सैटरडे को क्या करना है, अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल बनाना क्या होता है? प्लान करना। प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क करते जाओगे बट जब थक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, एक वन फाइन डे तो थकोगे ना, जब थक जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे तो आपका सारी चीज़ें नीचे आएंगी, परफॉर्मेंस, क्या पॉइंट है उसका? तो प्लानिंग करो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करो। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। वो चीज़ें जानने की कोशिश करें जो आपको आगे आने वाले 10 डेज में या फ्यूचर में हेल्प कर सकती हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सीखना है, ठीक है, तो उसके बारे में आप देखिए कौन सिखा सकता है, कौन बेटर पर्सन है, किससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको लाइफ में अगर हेल्प करती है, आपको बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में, सक्सेस में, तो थोड़ा बैक कैलकुलेट करिए, देखिए कि उसको, वो हेल्प पाने के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा हाथ पैर चलाइए। स्टाफ, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। पाइसेस, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, कोई भी दिक्कत आती है अगर आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ध्यान रखा जा रहा है। फिजिकल रियल में या स्पिरिचुअल रियल में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, पुराने लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, कोई भी हो सकता है, वो सब लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। तो कोई भी अगर आप मुसीबत में पड़ें या कोई डिफ़िकल्ट टाइम आए, कोई ऐसा पीरियड चल रहा है डिफ़िकल्टी का, आप फिक्र मत करें, वो जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, ठीक है? बस ट्रस्ट द प्रोसेस, भरोसा करके चलिएगा। काइट, वेकेशन, आप छुट्टी पे जा सकते हैं, हॉलीडे पे कोई हो सकता है, जा सकते हैं आप, अभी 10 डेज में भी हो सकता है ऑलरेडी प्लान्ड हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन कोई प्लान बन जाए, अभी नहीं तो थोड़े टाइम में, बट वेकेशन, हॉलीडे कुछ तो है, हो सकता है आप अपने किंग ऑफ वॉन्ड से वहीं पे मिलो वेकेशन पे, वो भी हो सकता है। देखते हैं एस्ट्रल हाउस से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताएं एस्ट्रल हाउस से पाइसिस के लिए क्या है। हैप्पीनेस, खुशियां आने वाली हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भाई, एक नया इंसान आ रहा है जो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कंट्रोल सब ला रहा है, आपका पैसा ला रहा है वो, आपका आपके दिमागी सुकून ला रहा है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल ला रहा है या ला रही है, तो हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में है फॉर श्योर। अभी हो सकता है आपको लगे कि यार कहाँ है, क्या बोल रही हैं ये दीपाली, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लाइफ तो कुछ और ही चल रही है। अभी नहीं होगा तो होगा आगे जाकर, थोड़ा सा सब्र रखो, यूनिवर्स पे यकीन करना स्टार्ट करो, सीखो कैसे यकीन करते हैं यूनिवर्स पे, ठीक है? तो अभी नहीं है तो होगा। देखते हैं मंथ कौन सा सिग्निफिकेंट है। फेब, अब देखिए, या तो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको मिलेंगे तो अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में, बट फेब में हो सकता है आप का कुछ इनके संग, जैसे वो एक परमानेंट वाली चीज़ होती है ना, इंगेजमेंट हो गई, रोका हो गया, वैसी कोई चीज़ हो सकती है फेब में, वो चीज़ होगी। शादी तो नहीं दिख रही है मुझे अभी, फेब में तो नहीं दिख रही है, बट फेब में कुछ और चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप लिव इन में मूव कर जाओ, एक स्टेज आगे बढ़ जाओ। मेरा मतलब ये है कि अभी अगर आप नॉर्मली जानते हो एक दूसरे को, थोड़ा सा लवी डवी है, तो आप लिव इन में रह जाओ,
अगर आप कुछ और है अभी सिचुएशन, तो आपकी एंगेजमेंट हो जाए, स्टेज बढ़ जाएगी बेसिकली. अब देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है. यूनिवर्स प्लीज बताएं पाइसेस के लिए कौन से चार्म्स में क्या मैसेजेस हैं. ओके देखिए हमारे पास है एक हील. ओके वाइन बैरल, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, शादी, जॉब, किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है. लेटर जी, जी फॉर गूगल, लेटर ओ, ओ फॉर ओवन. हमारे पास है एक फिश, हमारे पास है सन, हमारे पास है टेनिस रैकेट. अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला किंग ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन है तो लियो हो सकता है. सन लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है. लियो बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत बारी आ चुका है पाइसिस के रीडिंग में, तो हो सकता है लियो बहुत सिग्निफिकेंट हो. आपके पास पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, फ्यूचर पर्सन, लियो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आपकी रीडिंग में, ठीक है. वाइन बैरल, सेलिब्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया. फिश है तो आप लोगों को फिश पसंद हो सकती है. फिश वाटर के आसपास आप कहीं रह सकते हैं. आप कोई वेस्ट बंगाल, बंगाल, कोलकाता, सी फूड, बीच प्लेसेस में हो सकता है आप रहते हो, वैसा कुछ हो सकता है. फिश सी फूड पसंद हो. टेनिस रैकेट है हमारे पास, दो टेनिस रैकेट हैं तो वो कपल वाली चीज़, टीम वाली चीज़ आ रही है. है वैसे टेनिस बॉल, टेनिस रैकेट, बट इसको बैडमिंटन रैकेट, स्पोर्ट्स, कुछ भी हम ले सकते हैं. आपको मैंने बोला आपकी जो इंसान है स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं या स्पोर्ट्स से कुछ रिलेटेड जॉब है इनकी, तो हो सकता है ये टेनिस में हो, बैडमिंटन, कोई भी तरीके के स्पोर्ट्स में खेलते हो ये. जी ओ, जी ओ अब या तो हमें नॉर्मल है गो, ठीक है, तो गो एज इन लाइक गो का सिग्नल मिल रहा है आपको, गो हेड का, कि अभी स्टार्ट करो, ठीक है. तो हो सकता है आप किसी चीज़ में रुके हुए हो, आप कोई चीज़ स्टार्ट ना कर पा रहे हो, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको गो अहेड मिल चुका है कि आप वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो. आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका काम हो सकता है, यूनिवर्स आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो. यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स. सो आपको जो भी करना है वो बेझिझक आप स्टार्ट कर सकते हो. अब हमारे पास है हील. अब हील से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर या तो ये जो आदमी है ये थोड़े से हाई मेंटेनेंस टाइप होंगे जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. अगर ये आदमी नहीं है, ये फीमेल है, तो भी ये थोड़ी हाई मेंटेनेंस टाइप होंगी. अगेन हील से वैसे ज़्यादा तो ऐसे कोई स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहती हूँ मैं, बट फिर भी थोड़ा सा अगर हम लिटरल सेंस में जाए तो हाँ, तो हो सकता है लड़की जो हो थोड़ा हाई मेंटेनेंस, अच्छे से ड्रेसअप होना, शौक हो उनके अच्छे. अगर मेल हो तो भी हम सेम चीज़ बोलेंगे, हो सकता है उनको ड्रेसअप होना, अच्छी जगहों पे जाना, अच्छे शौक हो उनके, घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. जी ओ से आपके ये इंसान का या आपका किसी का नाम भी स्टार्ट हो सकता है, कोई सरनेम हो सकता है, लोकेशन, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, सिटी, कंट्री, कल्चर, रिलीजन, कुछ भी हो सकता है. वो अब आप देखिए कि किस हद तक क्या रेजोनेट कर रहा है क्या नहीं. बट हाँ, मोर और लेस यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाइसेस. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इमरामा टैरो को, पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का, मुझे अच्छा लगेगा. थैंक यू, बाय.